अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरी तरफ से कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा तो बहुत कर लिया आराम, अब दोबारा से अपने काम पे लग जाएं। मैंने बनाए थे पाए जो कि शहरोज को बहुत पसंद है, तो चाह रहा था मैं जाने से पहले एक दफ़ा खा के जाऊँ। तो पाए मैंने धो के पतीली में डाले, उसमें मैंने लहसुन अदरक गर्म मसाले हल्दी पिसा धनिया नमक पिसी मिर्चें और प्याज काट के डाल दी, और इसमें इतना पानी रखना है कि अच्छी तरह गल जाए। पतीला फुल कर दिया था मैंने, फिर इसमें प्याज डाल के इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, फिर जब तक मैंने कहा तब तैयार हो जाती हूँ। अच्छा एज यूजुअल गैस चली गई थी, तो मेरी सास कहती हैं कि पाए को ठंडा नहीं होने देना चाहिए बिल्कुल भी, और सिलेंडर पे मुझे बहुत डर लगता है। तो वो उनको लकड़ियों पर बनाने की प्रैक्टिस है, तो उन्होंने कहा मैं इसको लकड़ियों पर कम्प्लीट कर लूँगी। तो बस सिंपल सा वही पाए तो बन चुके थे, उसे मसाला बना के डालना था, तो उन्होंने लकड़ियों पर प्याज ब्राउन करके निकाल लिए थे, और प्याज ब्राउन उसी जो फ्राई पैन में ऑयल था उसी में ज़ीरा डाल के पिसी मिर्ची। अब लकड़ी पर मुझे तो बनाना आता नहीं, क्योंकि मेरी सास जब शादी होकर यहाँ पे आई थी तो उस टाइम यहाँ पे गैस नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक लकड़ी पर बनाया था, तो उनको तो प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने मसाला बना के डाल दिया था। मसाले में फिर वही था पिसी मिर्चें ज़ीरा ब्लैक पेपर नमक वो डाल दिया था, उसके बाद पाए रेडी हो गए थे। अच्छा तो जी जनाब, तो शॉपिंग मैंने कराची जाना है कल, तो शॉपिंग रह गई थी शहर उसके, तो वो करने गए थे। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, सूरज जो था बिल्कुल पीक पे था, और शाम हो गई थी तकरीबन 5-6 बजे, तो उसके बावजूद भी इतनी गर्मी थी हद से ज़्यादा। लेकिन शॉपिंग तो कंप्लीट करनी थी, क्योंकि शहरोज साहब की आदत है वो हर चीज़ एंड टाइम पे करते हैं अपनी, तो उन्होंने की नहीं थी। और पाए में खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मुझे भूख लग रही थी, तो एक घंटा घर पे बेकरी है, यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश और गर्म मिलती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ से मैं लाजमी कुछ ना कुछ लेके खाती हूँ, तो मैंने सैंडविचेस खाए थे क्योंकि मैं डाइट पर थी। तो बच्चों का भी हाल ऐसा था बस कि गर्मी, इतनी गर्मी थी, लेकिन सामान तो लेना था, तो हम लोग शहरों की शॉपिंग के लिए गए थे, और हमने गाड़ी पाकी, और हमारा गाड़ी में भी यही होता है अजान की वजह से पोयम 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 ही चल रही होती है। तो ये हम शहरों के लिए शॉपिंग के लिए आए थे, एक तो हमारे शहरों साहब को बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है, जब तक मैंने अपनी सेल्फीज़ वगैरह ले ली, और अजान साहब को बिल्ली जहाँ नज़र आ जाए भाई तो ये उसके पीछा करता करता उसके घर तक जाता है। बहुत मुश्किल है इसके साथ शॉपिंग करना, इसको ऊपर बिठाना पड़ता है तो कुछ ले सकते हैं, हम नहीं तो इसको ही पकड़ते रहते हैं। शहरोज ने इसे ऊपर बिठाया तो लिया, एक तो शहरोज को बहुत मुश्किल से कोई चीज़ आके पसंद आती है, फाइनली फिर इनको अपनी शर्ट्स वगैरह पसंद आई थी, जो कि यहाँ पर भी इनकी लड़ाई स्टार्ट थी। अच्छा अजान जन्नत के साथ खेलता है, मज़े से खेलता है, हानिया को उसकी बनती नहीं है, हानिया से उसको मारता है, हर जगह मारता है काटता है, उससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर इसके पापा को उसे गोद नहीं लेना पड़ा, क्योंकि ये तो बस इसके पीछे पीछे भागो, कुछ भी नहीं लेने दे रहा था ये, तो फाइनली इनको ये चीज़ें पसंद आई थी। कुछ शहर साहब का ये कि जिस दुकान पर बैठे हैं वो कहते हैं बस मैं यहीं से इसकी ईद करके जाऊँ। अच्छा बहरहाल उसके बाद इन्होंने अपने शूज़ लिए थे, फिर मैंने बच्चों के शूज़ लिए बाटा से, शॉपिंग वही कंप्लीट हो ही नहीं रही, रोज़ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ शॉपिंग। ये ऑफ टाइमिंग है क्या जॉब से लोगों की? नहीं ये सामने जो बना हुआ है ना उसकी वजह से। क्या बना हुआ है? यहाँ की पार्किंग भी बहुत ज्यादा है, तो ये पार्किंग जगह चेंज करनी चाहिए ना लोगों को। ट्रैफिक होती है, इतनी रश होती है कि यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आखिरकार हम लोग पहुँच गए थे गुलशन मार्केट, गुलशन मार्केट से हम ढूंढ रहे थे कुछ हमें स्पाइसी सा मिल जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं वहाँ पे बिरयानी टाइप। फिर हमने सजीलिया नहीं गए क्योंकि यहाँ हमने ट्राई किया नहीं था फर्स्ट टाइम, उसके बाद मुझे तो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, फिर मैंने अपना बहन का दिमाग खा खा के थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखी है। मेरी बहन कहती है तू सिंपल क्यों डालती है, एडिट किया कर, तो ये मैंने कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी एडिट करने की,
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے. اور اب تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ کراچی کا ہی ہوگا، کیونکہ اب کل میری ٹرین ہے، تو انشاءاللہ